बिंदिया तुम ही बताओ, तुम सबको बता दो कि मिंटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं रोहन, अभय जी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने खुद मिंटी के मुंह से सुना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड करण के बच्चे की मां बनने वाली है। पर रोहन, उसने ये कदम प्यार में उठाया, छोटी उम्र में बड़ी गलती कर बैठी है। अगर हम मिंटी के बॉयफ्रेंड करण को ढूंढें और मिंटी की शादी उससे करा दे तो ये सब कुछ सुलझ सकता है। तूने खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, तेरा मन जाना ही अच्छा है। मिंटी प्लीज आए। वन क्या कर रहे हो? सर ये क्या कर रहा है तू रोहन? वन छोड़ो। रोहन, 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 रोहन छोड़, रोहन छोड़, छोड़ो रोहन। कर रहे हो तुसी? ओ एक भाई होकर खुद अपनी बहन की जान लेना चाहते हो? ये गलत है रोहन, मैं तेनू ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तो औरत की जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती है रोहन कि ऐसी गलती करने पर उसे जीने का हक छीन लिया जाए। और मिंटी से भूल हुई है रोहन, कोई पाप नहीं किया उसने। बंद कर अपना ड्रामा। ये पाप पुण्य की बातें करके ना देवी बनने की कोशिश मत कर। बीजी, आपको मुझ पे यकीन नहीं होता ना, पर आप ये नहीं जानते कि ये सब खेल इस बिंदिया का है। पता है क्यों? क्योंकि अभय बार बार उसे अपनी पत्नी बोलता है। इसे तो लालच आ गई होगी ना, ये सारा ऐशो आराम देखकर सोच रही होगी कि सीएम की बहू बन जाऊं तो बाकी की जिंदगी कितनी मौत से कटेगी। हो सकता है ना इसका दिल आ गया हो अभय पर। बहाने ढूंढती रहती है उसके पास जाने के। जरा सी भी शर्म नहीं है इसके अंदर कि अपनी ही ननन के मंगेतर पर दोड़े डाल रही है। मिंटी, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती। मेरी मदद? तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है विद्या। चक्कर चलाना चाहती है ना इसके नाल। आप भड़क रही है ना अंदर। मिंटी, मैं इससे बात करो मिंटी, हद होती है किसी बात की। ओए मेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तेरी बहन ने सच ना बोलने की कसम खा ली है रोहन। लेकिन सच पता करने के और बहुत तरीके हैं मेरे पास। मैं अपने काबी डॉक्टर को बुला था, वो टेस्ट करेगी और फिर तेरे सामने सच आ जाएगा कि तेरी बहन प्रेग्नेंट है। बताइए डॉक्टर, सबको सच बता दीजिए प्लीज। मिंटी प्रेग्नेंट नहीं है। देखा वीर जी, मैं कह रही थी ना कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखा ना बीजी, आपकी मिंटी ने कोई पाप नहीं किया है। मेरा दामन एकदम साफ हैगा। डॉक्टर ये आप क्या करिए? Are you sure कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? आप प्लीज दोबारा टेस्ट करिए डॉक्टर प्लीज। मैंने चेकअप कर लिया है अभय जी, रिजल्ट आपके सामने है। मिंटी मां नहीं बनने वाली। एक्सक्यूज मी। अब बोल अभय, तूने बुलाया ना अपनी फैमिली डॉक्टर को, अब क्या इनकी रिपोर्ट में छुटलाएगा? अभी भी तू यही कहेगा कि मिंटी प्रेग्नेंट है? अब देखता हूं कि तू मेरी बहन से कैसे शादी नहीं करता। तेरी सगाई हो गई तो अब तेरी शादी भी होगी। तुझे मैं बिंदिया पर और डोरे डाले नहीं दूंगा। वो मेरी बच्ची की माँ है। तेरी शादी मिंटी से ही होगी। अगर तूने मिंटी से शादी नहीं की फिर तू देख लेना कि तेरा और तेरे खानदान का क्या होगा। बिंदिया और अभय हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। शांत हो जाइए साले साहब। हमारा दिमाग खराब हो गया अभय। अंदर क्या बकवास कर रहे थे तुम? ये बेचारी लड़की पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें पता है ना वो खानदान कितना नामी है। हाँ, उनका नाम खराब किया वो तो अलग, रोहन का दिमाग खराब किया तो बहुत टेंशन वाला बात है साले साहब। कचू भी कर सकता है वो रोहन भल्ला, बस सुई सरकाने की बात है। अरे हम तो इस नई वाली बिंदिया का रूप देख के ना दंग रह गए। अरे दोनों ओर से बैटिंग कर रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं तेरी, उस बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोले हम? हाँ, अरे ये तुम्हारी बिंदिया नहीं है, उसकी शक्ल बिंदिया जैसी है। देखो अबे, तुम उसके झांसे में मत पड़ो, हम बता रहे हैं। क्यों सब कुछ बर्बाद करने में तुले हुए हो तुम? क्या बर्बाद हुआ दीदी? सब कुछ। हमरा नाम, हमरे पद की गरिमा, सब कुछ खराब हो गया है लल्ला। अब चलो यहाँ से। अरे कम से कम इतना तो सम्मान दे दो कि हम सीएम हैं। चल निकल। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा तब तक नहीं जब तक बिंदिया 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 बिंदिया, तुम्हारे लिए सब कुछ बिंदिया है। 7 साल पहले भी बिंदिया आई थी, उसके जाने के बाद भी सब कुछ बिंदिया ही थी। आज उसकी शकल और उसके नाम की कोई और आ गई तो लल्ला तूने उसे माँ से ऊपर रख दिया। अरे कभी तो अपनी माँ को बिंदिया से ऊपर रखा होता। बस लल्ला बस, तुझे सिर्फ बिंदिया की फिक्र है। अरे तेरी इन हरकतों से हमरे सीएम पद पर का असर पड़ रहा है, कुछ पता है तुझे? तूने उस मिंटी पर जो गलत इल्जाम लगाया है ना, उससे हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी, कुछ पता है? और ये सब जो हुआ है ना, उस बिंदिया की वजह से हम कर। ये ऐसे क्यों देख रही है जैसे बिंदिया देखते थे? कहीं इसे सब याद तो नहीं आ गया? आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से डर गई हैं। मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि अभय जी ने झूठ नहीं बोला है। सब लोग प्लीज प्लीज इन्हें दोष मत दीजिए। अभय जी गलत नहीं है, मिंटी ने खुद इनसे कहा था वो अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है। अभय जी ने खुद से इल्जाम नहीं लगाया है। चलो मान लिया, हम नई सवाल पूछते अपने लल्ला से। एक बात बताओगी हमको, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं समझी नहीं। हा? अब इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम। अच्छा ठीक है, नहीं समझी ना, हम समझा देते हैं। अम्मा ये पूछ रही है कि तुम्हारी याददाश्त सच में गई है या नाटक कर रही हो ताकि अभय तुमको अपनी पत्नी मानता रहे? एक मिनट, या फिर तुम्हारा दिल आ गया सीएम के बेटे पर इसलिए जाल बिछा रही हो तुम? हाँ, और मिंटी पर गलत गलत इल्जाम लगा दिया तुमने, शर्म नहीं आई तुमको? यार क्या कह रही है दीदी? अपनी हाथ में रहिए, ये मत भूलिए कि मेरी बीवी है। हमारी बीवी मर चुकी है अभय, ये मैं नहीं मानता पापा। मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। ये तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि बिंदिया की लाश नहीं मिली थी, लेकिन याद रखना 7 साल तक ढूंढने के बाद अगर किसी व्यक्ति की लाश नहीं मिलती है तो उसे मृत घोषित किया जाता है और 5 दिन के अंदर तुमरा और बिंदिया का रिश्ता कानूनन खत्म हो जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं ससुर जी। फिर हमारी का सबकी नजर में बिंदिया स्वर्गवासी बिंदिया भारद्वाज हो जाएगी। साले साहब आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि यह बिंदिया आपकी पत्नी नहीं है, ये एक पराई औरत है। इतना नहीं समझ पा रहे आप। एकदम सही कहा जीजा जी। और तुम मेरे छोटे भाई को फंसाना बंद करो। अरे तुम्हारी शक्ल उसकी बीवी से मिलती है तो तुम इसका फायदा उठाओगी। उसकी बच्ची तुम्हें मम्मी 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 कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई पर डोरे डालना बंद करो, शोभा नहीं देता तुम्हें। भैया आपने बिंदिया के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? लल्ला अबे कोला छोड़। नहीं भैया वो मेरी बीवी है। कॉलर छोड़ छोड़े। आपने ऐसे कैसे बात की बिंदिया से? बोलो कैसी औरत हो तुम? अरे छोटा भाई अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ रहा है। अगर हमारी बिंदिया बहू होती ना तो ऐसे कभी ना होने देती। तुम कोई और हो, तुम्हारी याददाश्त गई है या नहीं हमें तो पता ना, पर तुम हमरे लल्ला की जिंदगी ना खराब कर रही हो। ना तो तुम बीवी बनकर घर आ रही हो ना उसका रिश्ता कहीं और होने दे रही हो। अरे क्या चाहती हो? यही कि भाई भाई लड़े? क्या कर रहे हो तुम साले साहब? एक ऐसी औरत के लिए अपने बड़के भाई का गिरेबान पकड़ रहे हो जिससे तुम्हारा कोनो रिश्ता नहीं है। छोड़िए छोड़िए, हम कह रहे छोड़िए। साले साहब उठिए। उठ लल्ला, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना लल्ला? हुँ? 7 सालों में मैं इतना ठीक कभी भी नहीं था माँ। आप कह रहे थे ना कि 5 दिनों के बाद हमारा कानून कोई रिश्ता नहीं हो जाएगा, लेकिन दिल के रिश्ते का क्या करेंगे? दिल का रिश्ता वो भी इसके साथ जो खुद तुम्हें पति मानने से इनकार कर रही। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं है पापा, लेकिन मेरे पास अभी भी पापा 5 दिन बचे हैं।